अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। जी नाजरीन, आज मैं आपके लेके आई हूँ देगी चिकन वाइट बिरयानी दूध वाली, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। ये एक यूनिक रेसिपी है, आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने रहमत के साए में रखे। अल्लाह ताला हमारे माँ बाप का साया हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। जो बहन भाई बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, आज मैं आपके लेके आई हूँ देगी चिकन वाइट बिरयानी दूध वाली, जो कि बहुत मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। ये एक यूनिक रेसिपी है, आप बनाएंगे तो यकीनन घर में याद करेंगे। नाज़रीन आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। नाज़रीन इसके लिए हमें चाहिए चिकन, मैंने पूरा चिकन लिया नाज़रीन, पूरी मुर्गी ली है मैंने, चिकन धो लिया अच्छी तरह उसको मैंने। एक प्याली घी की जाएगी नाज़रीन, एक कप दूध का जाएगा नाज़रीन। चावल मैंने धो लिए हैं अच्छी तरह, धो के भिगो दिया इसको। 1 टीस्पून लहसुन जाएगा नाज़रीन, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और कुछ साबुत मसाले जाएंगे नाज़रीन, 2 अदद तेज़पात है नाज़रीन इसमें, ये जाएंगे। 1 टीस्पून जीरा जाएगा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च जाएगी, 2 अदद बड़ी इलायची जाएगी नाज़रीन, 1/4 टीस्पून सौंफ है, 1/4 टीस्पून सूखा धनिया है इसमें नाज़रीन, ये जाएगा, दोनों शामिल है इसमें। और दालचीनी के टुकड़े जाएंगे नाज़रीन इसमें, 4 अदद दालचीनी टुकड़े जाएंगे इसमें, और 3 अदद बादन फूल जाएंगे, और 1/4 टीस्पून लौंग जाएंगे नाज़रीन, और कुछ पाउडर मसाले इसमें जाएंगे नाज़रीन। 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है, 2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून सूखा धनिया नाज़रीन पिसा हुआ, तभी अच्छे से मैंने भून लिया इसको और फिर पाउडर बना लिया इसका नाज़रीन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नाज़रीन, 1 कप दूध जाएगा और ये घी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर जाएंगे खड़े मसाले, तो मैंने आपको बता दिए हैं क्योंकि इसका फ्लेवर घी में आएगा, तो हमारी ये चिकन वाइट देगी बिरयानी दूध वाली बहुत मज़े की बनेगी नाज़रीन, एक यूनिक रेसिपी है। जी नाज़रीन ये फ्राई हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे चिकन। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे हम। जी नाज़रीन देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया है, अब इसमें लहसुन जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इसमें ये मसाले जाएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारी देगी चिकन वाइट बिरयानी दूध वाली बहुत मज़े की बनेगी, आप घर में नाज़रीन ज़रूर फ्राई करें। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे नाज़रीन। जी नाज़रीन देखिए, मैंने अच्छी तरह कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी, मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें ज़्यादा करता पानी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी नाज़रीन हम कम ही इस्तेमाल करें क्योंकि हमने चावल भिगो लिए हैं, हम अच्छी तरह हमने भिगो लिए हैं नाज़रीन,
पानी हमारे चावलों के ये जो हिस्सा है उंगली का इतना ऊपर होना चाहिए नाजरीन, चावल डाल के। अब इसमें दूध शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कप दूध है नाजरीन, ये देखिए नाजरीन, इससे हमारी बिरयानी का दूध डालने से हमारी बिरयानी का मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला हो जाएगा, बहुत मज़े की बनेगी। इसमें चार चांद लगा देंगे इंशाल्लाह, आप घर में ट्राई करें। इसी इस बिरयानी में ये दूध डालना एक ख़ास बात है, जो लोग नहीं बताते, अपना सीक्रेट रखते हैं, नहीं बताते। मैंने अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया है, देगी स्टाइल में बताया मैंने आपको कि ये कैसे तैयार की जाती है। जी नाजी, ढक्कन देके से आप 10 मिनट के लिए पकाएंगे ना। जी नाजी, ये देखें पानी का बॉयल आ गया है, अब इसमें हम डालेंगे चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी देगी चिकन वाइट बिरयानी दूध वाली नाजिन बहुत मजे की बनेगी इंशाल्लाह। नाजिन, आप इस बिरयानी को पालक गोश्त के साथ खाएं, कौरमे के साथ खाएं, गोश्त कौरमे के साथ खाएं, चिकन कौरमे के साथ खाएं, नाजरीन आपको बहुत मज़ा आएगा। ये दावत वाली बिरयानी है, शादियों के लिए भी स्पेशल है और दावत के लिए भी स्पेशल है। आप घर में दावत के लिए बनाएंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो आपके गेस्ट आएंगे वो खाएंगे तो आपको तारीफ करेंगे, आपकी बहुत तारीफ करेंगे इंशाल्लाह। ये आपके दावत को रौनक लगा देगी, चार चांद लगा देगी। जी नाजिन, हमने इसके साथ पालक गोश्त बनाई है, टाइम बहुत शॉर्ट था इसीलिए मैं इसकी रेसिपी आपको पालक गोश्त की मैं फिर दूंगी। हम इसको पालक गोश्त के साथ सर्व करेंगे नाजरीन, ये देखें इधर मैंने पालक गोश्त भी तैयार कर लिया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाजरीन माशाल्लाह, ये देखिए नाजरीन कितनी प्यारी लुक आई है इसकी, ये देखिए नाजरीन, ये देखिए। टाइम बहुत शॉर्ट था इसीलिए मैं इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द दूंगी इंशाल्लाह। जी नाजरीन, ढक्कन दे के अब इसे हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जी नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, अब हम इसे दूध डाल के जर्दा रंग में दूध डाल के इसे दम लगाएंगे नाजरीन। हमारी देगी चिकन वाइट बिरयानी दूध वाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, देखिए मैंने दूध की जरा घोल लिया है, अब 10 मिनट के दम में पकाएंगे नाजरीन लो फ्लेम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, देखिए इसको दम आ गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह नाजरीन, जैसे मैं चाहती थी ये वैसे ही तैयार हो मैं नाजरीन माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी घर में बनाएं, ये देखिए नाजरीन माशाल्लाह हमारी देगी चिकन वाइट बिरयानी दूध वाली पक के रेडी है नाजरीन। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। जी नाजरीन, देखे हमारी देगी चिकन वाइट बिरयानी दूध वाली पक के रेडी है, ये इसकी फाइनल लुक है। हमने इसे पालक गोश्त के साथ सर्व किया है नाजरीन, पालक गोश्त की रेसिपी हम आपको बहुत जल्द देंगे, टाइम बहुत शॉर्ट था इसीलिए हम इसकी रेसिपी हम आपको बाद में देंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द देंगे नाजरीन। ये आप घर में बनाएं इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, वाइट बिरयानी चिकन वाली दूध डालकर नाजरीन बहुत मज़े की बनती है और बनाना बहुत ही आसान है। जी नाजिन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी नाजिन, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें नाजरीन।
जो मेरे चैनल पर नया है वरना काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नाजरीन इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ, यूनिक आसान, जो आप बनाएं तो याद करेंगे घर में। नाजरीन आप ये रेसिपी जरूर जरूर ट्राई किया करें नाजरीन, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी नाजरीन जी। नाजरीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अम्मी अबू का खास ख्याल रखिएगा, बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।